हेलो एवरीवन, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम बीए ऑनर्स सिक्स सेमेस्टर के मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी के लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न को देखेंगे कि लास्ट ईयर एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ कर ही जाने हैं, चाहे वो रूसो हो, प्लेटो हो, इसके अलावा जॉन स्टुअर्ट मिल हो, कौन कौन से ऐसे ऑथर्स हैं या फिलोसफर्स हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो हर एक चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट ईयर का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का बीए ऑनर सिक्स सेमेस्टर का। यूनिक पेपर कोड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जामिनेशन टाइमिंग 3.5 घंटे की है और आपके एग्जाम की टाइमिंग जो 3 घंटे की आई थिंक रहेगी, और यहाँ पे मैक्सिमम जो मार्क्स है 75 नंबर के रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस देखने को मिल जाएंगे कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। टोटल आपको जो है 5 से 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कोई 4 क्वेश्चंस ही आपको अटेम्प्ट करना है और हर एक क्वेश्चन दोस्तों इक्वल मार्क्स का रहेगा। और यहाँ पे आप सभी को जो आंसर लिखना होता है दोस्तों, या तो आप एक मीडियम में लिख सकते हैं, या तो वो हिंदी मीडियम हो या फिर वो आपका इंग्लिश मीडियम में हो। तो यहाँ पे आपके जो है हिंदी आपके हो गए जो इंस्ट्रक्शंस है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य का स्वअर्जित संरक्षण से उभरना ही प्रबोधन है, प्रबोधन के संबंध में कांट के विचार के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या करें। दोस्तों जो कांट टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का, या जो ये फिलोसफर इसको जरूर पढ़ के जाएगा। ऐसा कह सकते हैं कि आपके जो मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी है इसमें आपके जो भी फिलोसफर्स दिए गए कहीं ना कहीं आप सभी को जो है पढ़ के जाना है। सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों जो कि पूछा गया है फेमिनिज्म से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस टॉपिक को आपको जो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इस टॉपिक से हमेशा कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा जो कि आपका मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है। तो इसको आपको जो जरूर पढ़ के जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है कि 18वीं शताब्दी के नारीवाद के संदर्भ में जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है इसकी जो रचना है विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन के महत्व की जो विवेचना करना है कि इनके विचार क्या थे, फेमिनिज्म का आपको यहाँ पे जो एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों जो कि असमानता के संबंध में रूसो के विचार, जो यहाँ पे दोस्तों रूसो है इसको भी आपको जो पढ़ के जाना है। स्पेशली इसका जो समानता और असमानता का जो संबंध है कि समानता और असमानता में क्या डिफरेंस है, इनके बीच में क्या यहाँ पे इक्वलिटी रहने वाली है, ये आपको जो है एक्सप्लेन करना है। इसका आपको जो है आलोचनात्मक विश्लेषण देना, इस टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है। अगला जो है दोस्तों ये आपका अर्नेस्ट बकर है, जो कि यहाँ पे आपका जेम्स मिल, जो कि जे एस मिल है, इसको जो खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर कहा जाता है। ऐसा आप इससे क्या सहमत हैं, या इससे क्या इसके बारे में जो स्टेटमेंट दिया गया है इससे आप कितना समझते हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो जेम्स मिल आपके लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसफर है, इसको आपको जो है पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों जो कि अभी तक मौजूद सभी समाजों का जो इतिहास वर्ग है संघर्षों का इतिहास रहा है, मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत के प्रकाश में इस वचन कथन की जो विवेचना करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 6 है जो कि हेगल राज्य के क्षेत्रों को सार्वभौमिक परोपकारिता के क्षेत्र का क्षेत्र मानते हैं, इसकी जो है आपको व्याख्या करनी है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में आपको जो क्वेश्चंस दिखाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या आप सीएल वेपर के इस कथन से सहमत हैं कि जो मिल है एक अनुच्छिक लोकतांत्रिकवादी थे, प्रतिनिधि सरकार पर मिल के विचारों को जो है संदर्भ में इस कथन की जो है विवेचना करना है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है दोस्तों इसमें आपको किसी दो टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। पहला टॉपिक पूंजीवादी और समाजवादी जो है समाजों में राज्य की भूमिका के संबंध में जो मार्क्स के विचार हैं इसको आपको करके जाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सामाजिक अनुबंध पर रूसो के जो विचार हैं जो आपकी आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, इसको भी आपको जो है पढ़ के जाना है। उपयोगिता जो कि यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो कि मिल के विचार हैं, या तो इस पर आप लिख सकते हैं या फिर नैतिकता पर वॉलस्टोनक्राफ्ट के विचार। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों जो यहाँ पे आपका जो है लेडी है इसके 2 क्वेश्चन यहाँ पे जो है पूछे गए इस टॉपिक से, तो इसको आप जो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। रूसो के भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करके जाना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप सभी का जो सिलेबस है, यहाँ पे आपका जो है मॉडर्निटी एंड इट्स जो डिस्कोर्सेस हैं जिसमें आपका कांट ऑन मॉडर्निटी है, फेथ ऑन रीज़न है, अंडरस्टैंडिंग नेचर्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कांट आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा जीन चेक रूसो है इसको आपको पढ़ के जाना है। इसमें दोस्तों आप सभी का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है इसको आपको जो पढ़ के जाना है।
इसमें दोस्तों जो आपका जनरल विल है, इसके अलावा ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी है, और यहाँ पे आप सभी का जो स्टेट ऑफ नेचर है इसको आपको जो है पढ़ के जाना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है, पहला ये वाला टॉपिक और आपका जो मैरी है, इसको आपको जो है पढ़ के जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों जॉन स्टुअर्ट मिल है, इसमें दोस्तों आप लिबर्टी के बारे में और यहाँ पे जो डिफरेंस विथ अदर जो यूटिलिटेरियन है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इसे यूटिलिटेरियन है, इसको आपको पढ़ के जाना है। चेंज इन डेमोक्रेसी, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, और यहाँ पे सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, आपका जो है डेमोक्रेसी वाला पढ़ के जाना है क्वेश्चन। और यहाँ पे जो यूनिट फोर है रेडिकल्स के लिए, जिसमें हीगल है, कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स का दोस्तों यहाँ पे आपका जो है कैपिटलिज्म को जो क्रिटिक करते हैं, इसको आपको पढ़ के जाना है। और यहाँ पे जो काइंड ऑफ मटेरियलिज्म है, कि जो आपका मटेरियलिज्म है कितने प्रकार के होते हैं या क्या डिफरेंस रहता है, इनको आपको पढ़ के जाना है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते, इनको आपको जो है पढ़ के जाना है। तो ये था दोस्तों आपके मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी के आपके जो एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आपको बता दिए गए हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही।